यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपां करना है कविता विसाखी दा मेला। कवि कौन हन? तनी राम चात्रे। ठीक है, कल भाई वीर सिंह बारे कर लिया सी और कविता दे विच की है वो भी आपां डिस्कस कर लिया सी। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, तनी राम चात्रे या कवि लिख लो। ठीक है, तनी राम चात्रे पंजाबी दे किहड़े कवि हन? तनी राम चात्रे पंजाबी दे किहड़े कवि हन? आधुनिक। तनी राम चात्रे पंजाबी दे किहड़े कवि हन? आधुनिक। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म जन्म इन्हां दा होया 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर पंजाबी दे किहड़े कवि हन? आधुनिक। जन्म 4 अक्टूबर 1876 ईस्वी। ठीक है, अगे माता पिता किता पूहूमल। होया किथे ए भी लिख लो। पिंड पसियां वाला। जिला नेक्स्ट, इन्हां दा बचपन किथे बीतिया? फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट बना लो, बचपन पिंड लोपो के जिला अमृतसर। बुक विच बेटा तुहाडे पिंड दा नाम नहीं लिखा होया, पिंड दा नाम भी लिख लो। पेपर एदे विच भी बन सकदा है, अही मैं तुहानू लिखवा रही हां कि कल तुसी ए ना कहो कि ए वाला क्वेश्चन नहीं लिखवाया गया। ठीक है, देखो राइटर दे बारे विच तां कितों वी आ वाली बुक चों वी आ सकदा। इही वाली बुक नूं मैं फॉलो करदी हां, मैं तुहाडी वाली बुक नूं फॉलो नहीं करदी क्योंकि इहदे विच एक्स्ट्रा दित्ता हुंदा है। क्लियर है? हाँ, जे उहदे विच कुछ एक्स्ट्रा होएगा उह तुसीं मैनूं दस दिओ। राइट, वैसे इदां दा ही पाया जांदा छड़ा दोनों पासे होवे, पर जे सपोज मैं पाणा होवे फिर मैं पिंड दा नाम पाऊंगी जिहड़ा कॉमन जिहा नहीं हैगा, जिहड़ा तुहानूं नहीं आना। ठीक है ना, बाकी जिला अमृतसर इह तां सारे तुहानूं पता ही हो सकदे ने। रही पोएम की गल, वह तो थानू कितों भी कोई क्वेश्चन आ सकता, वो तो तुसी बस चैप्टर ही पढ़ना। ठीक है ना, सो राइटर बारे ता ही एक्सट्रा लिखवा रही हूँ मैं थानू। नेक्स्ट लिख लो, तनी राम चात्रिक नू किस भाषा नाल प्यार सी? तनी राम चात्रिक नू किस भाषा नाल प्यार सी? पंजाबी भाषा नाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन तनी राम चात्रिक दिया रचनावां विच केड़ा सभ्याचार झलकदा है। तनी राम चात्रिक दिया रचनावां विच केड़ा सभ्याचार झलकदा है? पंजाबी सभ्याचार। तनी राम चात्रिक दिया रचनावां विच केड़ा सभ्याचार झलकदा है? पंजाबी सभ्याचार। आगे लिख लो नेक्स्ट को ऐसा बना लो, हेडिंग बना लो, किता या नौकरी, किता या नौकरी। उमर हाँ जी, किता का मतलब काम, केड़ा काम किता इन्होंने, केड़ी नौकरी की। 17 साल की उम्र विच ठीक है 17 साल की उम्र विच इन्होंने भाई वीर सिंह जी की प्रेस वजीर हिंद विच नौकरी की। ठीक है, या इदा पूछा जा सकता है इन्होंने कितने साल की उम्र विच नौकरी की? 17 साल। या ऐसा सकता है कि इन्होंने केड़ी प्रेस विच नौकरी की? वजीर हिंद। केना दी की? भाई वीर सिंह। ठीक है, मतलब ये 3 क्वेश्चन निकलेंगे थोड़े। यस अश्मित, एक बार मैम सभ्याचार वाला क्वेश्चन दोबारा बोल दो, मिस के पहले वाला। ओके, तनी राम चात्रिक दिया रचनावां विच केड़ा सभ्याचार झलकदा है? पंजाबी सभ्याचार। और जिन्ने बच्चे ऑनलाइन ने ठीक है बच्चे, जे अगर थोड़ी फीस हो गई है क्लियर, थोड़े सारे ड्यूज क्लियर हो गए ने, तो तुसी आज अपनी फोटो ली आ सकते हो। ठीक है, और टाइमिंग वही है 12:35। हो गया अगे लिखो, कवि ने केड़ी सभा स्थापित कीती? कवि ने केड़ी सभा स्थापित कीती? केड़ी सभा स्थापित कीती? पंजाबी, पंजाबी सभा स्थापित करके इन्होंने कवि दरबारां दा सिलसिला शुरू किया। कवि दरबार मतलब हाँ, जिथे कवि बैठ के अपनी कवितावां जिहड़ियां ने सुनांदे ने। ठीक है, इन्होंने पंजाबी सभा दा, पंजाबी सभा दी स्थापना कीती, ते ओदे नाल ही इन्हां दे जिहड़े वी कवि दरबारां दा सिलसिला उह शुरू हो गया। कवि दरबारां दा सिलसिला शुरू हो गया। अगे इन्हां दीआं रचनावां ठीक है, रचनावां ये तुहाडी बुक विच लिखिया हुईयां ने। ओके,
ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ, ठीक है, ये इन्हां दी रचनावां ने। मतलब जेड़े सूफी कवि हुंदे ना, वो जिथे बैठदे ने, ओहो जिस तरह बाबा फरीद जी। ए बेटा एक ना स्टोरी है नल दमयंती दी, ए नाम ने पात्रां दे, ठीक है, स्टोरी है ओदे उत्ते इन्हां लिखी सी स्टोरी। मैनूं एग्जैक्ट नहीं पता, इहदी पता लगेगी तो मैं तुहानूं दसवांगी। पर थ्री हरी दे विच वी इह वी इक पात्र दा नाम ही है, ठीक है। चंदनवाड़ी वाड़ी मतलब जिहड़ी फुलवाड़ी जी हुंदी है ओदे विच है। केसर क्यारी वी ओहदा ही नाम है। नूर जहां एक परसन दे नाम ते इन्हां ने रचना लिखी है। बादशाह बेगम ओह वी इक परसन दे नाम ते लिखी है। नवा जहान है ना, नवा जवान नहीं है, नवा जहान है। बादशाह बेगम एक है, ओके ठीक है। बच्चे नाल ही ने नूर जहां बादशाह बेगम, ठीक है। रचनावां दा क्वेश्चन ऐदा आ सकदा है तुहानू, मान लो कि कहता कि तरी राम चात्रिक दी रचना दा नाम लिखो। मे बी ओहदे विच सपोज नवा जहान पा दित्ती, ठीक है, होर भाई वीर सिंह दी पा दित्ती, कमदी कलाई, होर केड़ी आपां पढ़ी सी कल, मेरे साईयां जीओ। बिचलियां दे हार, ओके ठीक है। मान लो तुहानूं ये चार आ जांदे ने ऑप्शंस, ते इहदे विचों दी तुहानूं पुछा जा सकदा है तनी राम चात्रिक दी किहड़ी रचना है, सो नवा जहान, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, सो तां ही रचनावां लिखवाईयां जांदियां ने कि इन्हां नूं एक बारी देख लिया करो, तुहानूं पता लग जावे कि किहड़ी है इन्हां दी रचना, ठीक है। हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन रचनावां। आ सकते हैं, मान लो नवा जहान ते एक नल दमयंती आ गई, ठीक है। मान लो एक आ गई ते एक आ गई, तीसरा ऑप्शन ए बन गया ते चौथा बन गया कूड़ा आड़ा, दोवें ही इस तरह भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर, मतलब तुहानू जेड़े ऑप्शंस ने ओह भी इस वारी सिंपल नहीं आणगे, या दोनों ही आ सकता है, या कई बार कोई भी नहीं। जिस तरह आप कल किया समा कविता को कौन कंट्रोल कर सकता, तुसी कह रहे से मनुख, ठीक है, या कौन नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कुदरत भी नहीं कर सकती, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते ने। अगे इन्हां दी बोली नेक्स्ट हेडिंग बना लो, बोली है पंजाबी, ठीक है। सिंपल भी है पर कभी कभी ए ठेठ वर्ड भी लेंदे ने, टिपिकल पंजाबी ना रिलेटेड वर्ड ओदा दे भी लेंदे ने, ते रस भरी मतलब मिठास भरी है, ठीक है।
इन्हां ने सब तो वध पुस्तक लिखी आ वार्तक, वह मैं तुहानू कल दस चुकी हाँ, चाहे पोइट्री लिखते सन पर इन्होंने वार्तक पुस्तक भी लिखिया, पर इन्हां दी प्रसिद्धि खास तौर पर एक कवि के तौर पर ही हुई सी। ठीक है, इन्हां दी सब तो मशहूर कविता अगे लिख लो, मशहूर कविता मारदा दमामे जट मेले आ गया। इन्हां दी ना सारिया रचनावां विच ना मतलब इस तरह दी ही है, जिस तरह मेलियां दे नाल संबंधित हो गईआं इदां दी इन्हां दी रचनावां आ। ठीक है, जिस तरह हुण आपां वी दमामे मतलब उछल उछल के खुशी दे नाल, मेला विसाखी दा मेला, ए सोंग भी है। ठीक है, अगे लिख लो इन्हां दीआं कवितावां विच किन्हां बारे गल कीती जांदी सी। ठीक है, मतलब विषय विषय लै लो पहलां, केड़े हुंदे सन, कुदरत बारे, कुदरती नजारिआं नूं पेश करदे सन। ठीक है, ते इह अपनी कवितावां दे विच किद्दां दे परसनस नूं लैंदे सन, मतलब इन्हां दे पात्र किद्दां दे हुंदे सन। ठीक है, गरीब मजदूर किरती इन्हां दे लई ही इह कवितावां लिखदे सन। ठीक है, गरीब मजदूर ते किरती, किरती मतलब गुड, गरीब मजदूर ते किरती इन्हां दे इह सच्चे हमदर्द सन। ठीक है, मतलब इन्हां दे नाल ही इह कवितावां लिखते सन, अपनी कवितावां विच इन्हां दे ही दर्द नूं पेश कीता जांदा सी, इन्हां तिन्हां दे दर्द नूं। किरती मतलब काम करन वाला, ऐ वाला गरीब मजदूर ते किरतियां दा इह सच्चा हमदर्द सी। ठीक है, इन्होंने कभी भी अमीर परसन नूं या जिहड़े बिजनेस क्लास फैमिली है उन्हां नूं लैके कभी भी अपनी कवितावां नहीं सी रचियां, इन्हां दी कवितावां दे जिहड़े पात्र हुंदे सन उह आम ही सन। ते इन्हां दी रचनावां उहदे विच की सी, इहदे नाल ही लिख लो, भावें असीं कित्थे लिखिआ बोली दे नाल ही भावें लिख लो या कुछ नहीं, अलग पॉइंट बना लो किस तरह दी सन इन्हां दी बोली सॉरी कवितावां विच सरलता सी, सरलता स्वाभाविकता एदा क्वेश्चन बनेगा, कवि दियां रचनावां विच किस दा सुमेल मिलदा है, कवि दियां रचनावां विच किस दा सुमेल मिलदा है, एक सरलता सी, सुभाविकता सी, मुहावरेदार मुहावरेदार रवानी। ठीक है, क्वेश्चन की है, तनीराम चात्रिक दियां रचनावां विच किस दा सुमेल मिलदा सी, सरलता दा, सुभाविकता दा ते मुहावरेदार रवानी दा। सरलता मतलब सिंपल, सिंपल क्यों सी इन्हां दी कविता, हाँ आम लोगों नाल रिलेटेड सी, थोड़ी ईजी लैंग्वेज सी, जिस तरह हुण विसाखी दा मेला विच कुछ इन्ने उन्होंने नहीं वरते वर्ड। ठीक है, सुभाविकता मतलब डबल वो नहीं आना,
इको ही है। स्वाभाविकता, स्वाभाविकता की होंगे है बिहेवियर, मतलब अपने आप ही। जो कवि कविता लिखता है, कई तो थोड़ा सोच समझ के लिख देने कविता, कई लिख देने कि अगर वो लिखण बैठ गए तो उन्होंने माइंड विच अपने आप ही वो जड़ी है, मतलब राइमिंग जड़ियां ने बड़ी जांदियां ने, ठीक है। उन्होंने बोलते हैं स्वाभाविकता, सहज सुभा नहीं बोलते आप, सहज सुभा ये काम हो गया, अपने आप ही हो गया, तुम बहुत ही फिटी की, ठीक है। मुहावरेदार रवानी मतलब जिन्हों के मीनिंग होन, जिद मुहावरे फ्रेज वगैरह ये सारा कुछ यूज किया हो, रवानी मतलब फ्लो दे विच यूज किते होन, ठीक है। लास्ट देहांत, December 18, 1954 कितने क्वेश्चन हो गए, 15 और 16 क्वेश्चन। हां जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन छुट्टा नहीं गया, ठीक है। ए हो गए कवि दे नाल रिलेटेड, नेक्स्ट आप करते हाँ कविता नाल रिलेटेड, ठीक है। पहला सारी मीनिंग कर लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बना लो अर्थ, ए अलग अलग ना करी जाए, अर्थ की है, अर्थ की है, सिंपल लैंग्वेज लिख लो अर्थ फर्स्ट क्वेश्चन, या आगो कंटिन्यू कर लो जिनमें भी थोड़ा होएगा, 17वां या 18वां क्वेश्चन। लुकाट, लुकाट की है फल का नाम है। रस्या, बूर का पता ही है, बूर की होंगे है अंबा दे बूटे नु, पहला छोटे छोटे जे निकल दी ना ग्रीन ग्रीन जे, फिर उस तो बाद विच लिफाइयां, अगे लिखो लिफाइयां, बेरियां लिफाइयां टहनियां दे पार ने, इहदा मतलब की है झुका दित्तियां। चुकियां हुई हैं। पुंगरियां की होंगे, पुंगरियां, पुंगरियां कोई चीज जिस तरह बीज लाया, बीज का अगो दी छोटा जा प्लांट बन गया, वो पुंगर गया, ठीक है। इथे लिखा थोड़े रुखी चढ़िया, पुंगरियां बल्लां वेलां, रुखी, रुखी मतलब रुक कुत्ते, परोइयां फुल्लां हेठो फलां ने परोइयां लड़ियां, परोइयां मतलब परोना नहीं हुंदा, गुंदना, 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 जिस तरह आपां मोती परोने आ, ठीक है, गुंदने आपां उन्हां नूं, सजाना भी लिख सकते हो तुसी। नेक्स्ट साई, निगाह, सवली, हम्म,
निगाह नजर स्वली मेहरबान सुगात तोहफे तोहफे तोहफा नेक्स्ट बंजारे बंजारा किन कहते ने हाँ की कहने आप व्यापारी या सौदागर ठीक है बंजारा अगे लिख लो बंजारा सौदागर बंजारा सौदागर कूंजा कूंजा ते फीते लियाए ने कूंजा ते फीते लेसेस हुंदे जेडे कपड़े उत्ते लाण वाले हुंदे ने कपड़े उत्ते लाण वालियां किनारियां कूंजा ते फीते किनारियां बंगा का तो पता ही थोनो चूड़ियां झूठे गहने हट्टियां सुगाता पीड़ तो पता है अगे लिखे हुए खली खली मतलब पीड़ खली है हो गया मीनिंग पूरे कर लिए है ना पंगूड़े चूल्हे थाई 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 मतलब हर थां ते पंगूड़े चूटे चूटे लिख लो चूल्हे लिख लो अगे देखो है बंजली लंगोजा काटो ते तुम्बा ए सारे सास ने ठीक है बंजली कहंदे आ बंसरी नो लंगोजा अलगोजा ए तो तुहानू पता है छिंज अखाड़ा जेदे विच पहलवान कुश्ती करते ने ठीक है छिंज अखाड़ा सूरे सूरे
सूरे सूरमे या पहलवान? कोहा? लास्ट रह गया, अभी लिखी लो। कोहा दूर तक, ठीक है। मल्ली, हाँ केरी हुई, मल्ली हुई है, केरी हुई है, ठीक है। Done, knowledge, well done.